तो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल तुम्हारे? होप करता हूँ कि सब तुम बढ़िया ही होगे। और जैसा कि मेरे तुम लोगों को पता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे चैलेंज दिया था 1v6 करने का, तो हम लोग वही करेंगे। बट भाई, उसने किसी में कुछ मेंशन नहीं किया था कि मुझे कस्टम में करना है कि किस में करना है। तो मैं 1v2 करने वाला हूँ, मतलब सोलो वर्सेस डुओ। अभी तक मेरा हाथ अच्छे से मेरे लैपटॉप पे बैठा नहीं है, तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं करके सोलो वर्सेस डुओ करने वाला हूँ। तो भाई लोग, अल्पाइन मैप में तो हमने 6 किल कर दिए, बट हमारा भूया नहीं हो पाया। तो देखते हैं परमेटर में भूया होता है कि नहीं। बोल रहा तो भूया की है, 6 किल तो हो गए थे, 6 किल करना तो इजी है, बट भूया हो पाता है कि नहीं, हमें वो मेन देखना है। तो इसमें फुल ट्राई रहेगा भूया का, बट कोई आया नहीं अब तक। हमें 6 किल्स तो मिनिमम करनी है, मैक्सिमम जितना हो सके हम करेंगे, बट बेस्ट ट्राई है 6। 6 किल के नीचे भूया हुआ तो मज़ेदार नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई नोट कर पा रहा है कि मेरा गेम थोड़ा स्टटर क्यों कर रहा है, इस वजह से क्योंकि मैं एकदम अल्ट्रा पे खेल रहा हूँ, मैक्स ग्राफिक्स, और मेरे इसमें 8 GB रैम है, DDR4 8 GB। जब मैं बुक करने गया था तभी, इंक्वायरी करके तभी 16 अवेलेबल थी, और जब मैं लेने गया ना तभी अवेलेबल ही नहीं था 16। और मैंने जल्दी जल्दी ले लिया क्योंकि एग्ज़ाम हमारा आ रहा था और हमें एग्ज़ाम में पास होना था। और तुम्हारा भाई जूनियर इंजीनियर बन गया इस लैपटॉप की बदौलत, क्योंकि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। तो पता रहेगा, जो जो इंजीनियर है एक बार कमेंट में जाके बोल दो, हाँ हम इंजीनियर, और तुम लोगों को फाइनल ईयर में कितना परसेंटेज आया वो भी बोल देना। तो आप में से जो भी इंजीनियर है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो आप लोग एक बार बता दें आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है, और अभी जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो कौन से ईयर में, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। दैट बीइंग सेड, हम लोग थोड़ा बंदा बुंदा मार ले, क्योंकि एक बंदा नहीं दिख रहा यहाँ पर, जबकि जोन भी इधर बना है। और इधर जल्दी 31 लोग बाकी भी हो गए, आई मीन 30 लोग। आई थिंक आर्सेनल जाना पड़ेगा क्योंकि उधर ही बंदे दिखने के चांसेस है, आखिरी उम्मीद। देखो हमारी MP5 भी नहीं मिल रही, वाह हमारा पिंग भी अभी नाटक कर रहा है। 26 लोग हो गए भाई और हमें अब तक एक बंदा नहीं दिखा। तो आर्सेनल के इधर ही चलते हैं, इधर से एग्जिट होना चाहिए पास ही में। और टारगेटर में कितने सालों बाद खेल रहा हूँ, ओ भाई लेवल 4 का वैश। इधर और कुछ काम के लायक नहीं था, हमारे स्कार लेवल 3 की मिल गई, तो क्यों ना स्कार ही लेवल 3 की हम लोग यूज करें। जिप्लाइन से थोड़ा जोन के बाहर जाने का ट्राई करते हैं, हाथ में MP5 लेके चलो मुसाफिर। अरे पकड़, अरे यार लूप शैक्स का ये कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाता। ओके हमें हमें एक बंदा दिखा, क्या पानी में उतर पाएंगे हम? और हाँ सक्सेसफुली उतर गए पानी में। बंदे कहाँ है तू? 82 का हेड, ओ प्यारा, इतनी देर बाद हमारा 1 किल। पानी में रिलोड, ओके ये अपडेट में अच्छा क्या, पानी में भी हम लोग गन को रिलोड कर पा रहे हैं। पहले कर पाते थे कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि अपडेट के बाद मैं बहुत सारे चेंजेस देख रहा हूँ, जैसे रेड नंबर को कर दिया येलो नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेड नंबर एक फील है यार, रेड को लोग को चेंज नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे MP5 है, बट हमारे पास उससे अच्छा लेवल का है, ये अच्छा था। हमें एक किल मस्त मिल गया, पता नहीं बंदे का ध्यान कहाँ था, और रेड देखा रहेगा तो डायरेक्ट किल था ये। तो इसका स्क्वाड का बंदा पहले ही मर गया, और ये रिवाइव का वेट कर रहा होगा कि मतलब मैं अपने दोस्त को रिवाइव करने जाऊँगा ऐसा ऐसा, और उतने में हमने उसको मार दिया। तो ऊपर आई थिंक एक बंदा है, भागो भागो चलो चलो चलो, देखते एक बंदा है, एक एक दिखा, एक बकरा दिखा, अब इसको भी हम हलाल करेंगे। हमारे पास ब्लू मेल्टर है, ब्लू मेल्टर के अलावा हाँ चलो ग्रेनेड भी, हम लोग ग्रेनेड से भी मार सकते हैं, बट वो बंदा बस भागना नीचे। ओके दिखा, ओ भाई 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 भाई, 103। अरे ये मर क्यों नहीं रहा, इसको कितना हेड मारा,
यार इसे चालू रहता है मेरे को मार देगा। अरे यार मर जा भाई भाई भाई, भाई मेरे कितना मारा, इसका नेट क्या था कि हमारा हमको समझ में भी नहीं आया। एक और दिखा बहुत सारे लोग हैं। भाई हमारे पास इतनी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी बट एआरएम की कमी हो गई। लोग सीधा भी घुसेंगे, एक गया, 5 किल तो हमारे हो गए भी, हमको भूया करने से मतलब है भाई। इधर पेटी पेटी और 143 भाई 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 भाई, लग जा लग जा लग जा। ओ गंदा मारा, कहाँ से मारा बेटा, सामने आता मैं तो सामने आके दिखा, आ रहा है और ओपी। अच्छा हेड के नीचे बात नहीं किया, अरे हमारे सामने नूम वॉक करेगा क्या, पहले गेम खेलना। ओ शिट कहाँ है, ओके तू है, तू भी कर जा, बड़ा आया हमें मारने वाला। 7 किल तो हमारे यहीं हो चुके और देखते बंदा है किधर बाकी। अच्छा एक किल लिया और सामने हमारे बंदा और ये भी हेड लग गया यार, तो बॉडी बॉडी क्या हमारे यहाँ सक्सेसफुली 9 किल हो चुके हैं। शायद 1 किल चोरी हुई थी शायद से, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। और हमारा एपी मीटर एकदम डाउन। ओ शिट ए मारा मारा मारा, क्या गंदा मारा, बहुत ही गंदा मारा बेटा, तेरे को तो बताना पड़ेगा। हमें मार रहा था हमें बेटा, तुम्हारे पहले से हम गेम खेलता आ रहे हैं, जाके पहले गेम खेल के गेम खेलना सीखो और फिर हमें मारो बेटा, बच्चे हो तुम लोग अभी भी भाई। ऐसा बड़ा कोई मार देगा, एक और जा रहे इसको भी, इस बच्चे को भी हम बताते। अरे भाई उसे तो एक हेड नहीं लगी, अरे छोड़ो बॉडी नहीं, इसको लास्ट में हेड लगा। बेटा पेड़ के पीछे क्या कर रहा है तू, मेरा है सिर्फ मेरा। 11-11 हो चुका है। बैच 99 का हमने एक आज नया वीडियो देखा था, उसमें भी उनके साथ ऐसी हुआ, जितना किल उतना उनका, उतने बंदे अलाइव, जितना उनका किल था उतने बंदे अलाइव थे। सेम हमारे साथ हुआ अभी, क्योंकि 10 लोग हैं और हमें पड़ी। बेटा कहाँ है तू भी, अरे नहीं ये मार सकता, इसको हेड क्यों नहीं लग रहा, अभी लगा। तुम बच्चे लोग तुमको गेम खेलना नहीं चाहिए, आके पढ़ाई करो। और हम सोन में से खुलम खुला घूमते हुए, ओके पीछे से पड़ी बेटा, हमें मारेगा कहाँ, मार देगा। आप लोग ने एक चीज नोटिस की कि नहीं वो नहीं पता, बट मैंने कह दिया जब भी मार रहा हूँ ना तो ऐसा चिंगारी निकल रहा है, जैसे दो मेटल को ठोकते थे कैसा चिंगारी निकलती है, लिटरली वैसा चिंगारी निकल रहा है। देखते हमें कौन मारेगा, कुलम कुला वैश्य करे पड़ी भाई साहब। हाँ बेटा चलो तो MP5 से चिपकाऊंगा, शाबाश हमें मार के काम हार दोगे भाई। अरे 110 और खत्म, 3 लोग और बाकी, बस भूया हो जाए। अरे चैलेंज भी कंप्लीट, आप लोगों को जो भी चैलेंज देना आप नीचे कमेंट में जाके दे सकते हैं और वो चैलेंज पूरा करने का मैं ट्राई करूंगा। जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे इंस्टा पे बोला 1v6 करके दिखा, अब उसने बोला नहीं कि कस्टम में कर कि किस में कर, और अभी मेरा हाथ उतना बैठा नहीं है इसलिए सोलो वर्सेस डुओ में कर रहा हूँ मैं। ओके तो एक डुओ बाकी और एक बंदा दिखा, कहाँ भाग रहे थे, एक बंदा बाकी, कहाँ है ये आखिरी बंदा, कहाँ हो सकता है। हमारे पास गांजा है, हम गांजा बढ़ाएंगे, आई थिंक एयर ड्रॉप की तरह हो सकता है। लॉन्ग रेंज पे रहेगा तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उतना एमओ नहीं बचे कि मैं रिस्क लूँ। स्पेशल एयर ड्रॉप के पीछे नहीं, कहाँ जा सकता है ये, हमारे 18 किल हो चुके हैं और आखिरी बंदे की तलाश में हम अभी भी घूम रहे हैं। ओके दिख गया और ओके, और ये भूया हमारा हो गया, 19 किल और भूया, मतलब हमने चैलेंज को कम्प्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा सोलो वर्सेस स्क्वाड में। तो वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को न्यू हो तो, और हम मिलेंगे ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को वेलोरेंट का मोंटाज देखने तो आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तब तक लिए गुड बाय। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, समंदर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका पता नहीं, छू दे तो अमृत बन जाए।